नवगठित निवाली परिषद में हुआ बम्पर मतदान, किन्नर करिश्मा ने भी किया मतदान। बारिश के बावजूद रहा खासा उत्साह। निवाली नवगठित नगर परिषद में आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर एवं सावन मास के प्रथम दिवस पवित्र महीने में बारिश के साथ आज सुबह 6 बजे से ही नगर परिषद के मतदाताओं ने मतदान केंद्रों पर जाकर अपना अपना मतदान किया। वहीं वार्ड क्रमांक 7 में एक अन्य ने मतदान किया और कहा कि हमें मतदान करना चाहिए, वह अपने वार्ड सहित नगर का विकास करना चाहिए। मतदान हमारे लिए एवं क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। वहीं थोबड़िया स्थित मतदान केंद्र, बालक उत्कृष्ट मतदान केंद्र, कन्या विद्यालय मतदान केंद्र, लोक सेवा स्थिति मतदान केंद्र में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लोगों ने मतदान किया। वहीं नगर में 3 आदर्श केंद्र बनाए गए, बालक उत्कृष्ट विद्यालय एवं लोक सेवा केंद्र आदि जगह आदर्श केंद्र बनाए गए, जहां आकर्षक सज्जा की गई थी। नगर में कुल 19 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें कुल 64 प्रत्याशियों ने भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए कुल 13,000 से अधिक लोग मतदान करके 64 प्रत्याशियों के भाग को चमकाएंगे। मतदान का प्रतिशत लगभग 82% रहा। किन्नर करिश्मा ने भी मतदान कर अन्य मतदाताओं को प्रेरित किया। चीजें चाहते हैं आपकी इस मतदान के बाद जो परिषद बने, गांव स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, कोई तरह की परेशानी का नहीं, विकास हो, समस्याओं को निपटाने के लिए कैसा उम्मीदवार यहाँ पे बनना चाहिए? अच्छा इंसान बनना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। ठीक, मैं हूँ विशाल भावसार और इस समय हम खड़े हैं निवाली नगर परिषद चुनाव के संपन्न होने के बाद। आज पूरे बड़वानी जिले में 2 जो ग्राम पंचायतें थी उन्हें परिसीमन के बाद नगर परिषद किया गया। आज हम निवाली जो बुजुर्ग है उसी निवाली बुजुर्ग की जो नगर परिषद चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसी के अंतर्गत खड़े थे। आज संपूर्ण मतदान हुआ। सुबह सुबह बारिश ने खलल भी डाला है मतदान में, लेकिन जो 20-22 हज़ार की आबादी वाला जो निवाली क्षेत्र है वहाँ 13,000 मतदाताओं ने करीबन 64 प्रत्याशियों के लिए आज वोटिंग की। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके परिणाम क्या आते हैं, वो कांग्रेस के या बीजेपी के पक्ष में आते हैं। बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी थे, उन्होंने जनता से कई वादे किए हैं, वो किस प्रकार पूरे होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सारी चीज़ों के बाद भी जो आने वाले दिनों में जो अन्य नगर परिषदें हैं और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उनमें भाजपा और कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं बड़वानी से विशाल भावसार, डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, बड़वानी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट